नमस्कार, आप देख रहे हैं एविस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज एविस्टा न्यूज पर हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है और उसका असर न सिर्फ भारत और उस देश के साथ संबंधों के संदर्भ में है बल्कि वैश्विक शांति के लिए वो संबंध बहुत जरूरी है। और एक कहावत है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है और विरोधी कौन है, ये भारत जानता है। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से एक सप्ताह पहले विदेश मामलों के जानकार और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने चर्चा की थी कि हमने रूस के साथ जो परंपरागत संबंध थे उस संबंध की जो धार थी, उसकी जो आधारशिला थी, वही तहस नहस कर दिया, खास करके 2014 के बाद। क्या ऐसा हुआ है? अगर हुआ होता तो स्थिति जो हम अब बताने जा रहे हैं उसको समझिए। 6 दिसंबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी, एक शिखर बैठक होगी और उस शिखर बैठक में वो तय किया जाएगा कि भारत और रूस के कदम अब किस ओर आगे बढ़ेंगे जिसके कारण वैश्विक धुरी पर, वर्ल्ड एक्सिस पर एक बड़ी ताकत के रूप में ये दोनों उभरे। अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और रूस के संबंध किस कदर नए अंदाज में, उस पुरानी दोस्ती में नई धार आ चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अभी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि वास्तव में जब यहां पर पहुंच रहे हैं रूस के राष्ट्रपति तो हमारा और उनका एजेंडा क्या होगा और उसका भारत के साथ जो संबंध है वो किस कदर प्रगाढ़ होगा और कुछ राज्यों को, खास करके उत्तर प्रदेश को, कितनी बड़ी सहूलियत और कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आज इस चर्चा में तीन बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका परिचय बाद में कराएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में रूस और भारत के बीच होने वाली इस शिखर बैठक का एजेंडा क्या है, उसके मायने क्या हैं और कई ऐसे विवादों में जहां रूस उलझा हुआ है उस विवाद के साथ वो अपने दोस्त के साथ बातचीत करने आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये कि मणिशंकर अय्यर साहब ने जो एक बात कही थी कि रूस और भारत के संबंध गर्त में चले गए हैं, शायद इन ग्राफिक्स के जरिए और हमारी चर्चा और परिचर्चा के दौरान आप ये देखेंगे कि संबंधों की धार, उसकी दशा, उसकी दिशा और आने वाले समय में दोनों किस कदर आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ आज इस डिबेट के दौरान और चर्चा के दौरान तय हो जाएगा। हम अपने पीसीआर सहयोगी से कहेंगे कि एक एक करके वो ग्राफिक्स स्क्रीन पर लाएं तो आप देख सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर साहब ने क्या बयान दिया था और वो बयान जो बीजेपी सरकार जब से आई है स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। मौजूदा सरकार की अगुवाई में रूस के साथ भारत के संबंधों को बड़ा झटका लगा है। भारत को रूस के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के साथ तनाव था लेकिन मॉस्को के साथ हमारे संबंध कभी इस तरह से तनावपूर्ण नहीं रहे, ये मणिशंकर अय्यर साहब कहते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। मौजूदा सरकार की अगुवाई में रूस के साथ भारत के संबंधों को बड़ा झटका लगा है, ये भी मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा था। भारत को रूस के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। देखिए, हम बहुत मौजू है ये सारी बातें वो हम बता रहे हैं। रूस से हमारा दोस्त आ चुका है, 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन आएंगे, उनकी एक टीम पहुंच चुकी है। कोरोना और यूक्रेन संकट के बीच पुतिन भारत पहुंच रहे हैं और पुतिन का ये दौरा अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर भी एक विश्लेषण करेगा। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध होने ही होने हैं। भारत रूस के संबंधों पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिलना तय है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है वो एजेंडा, जब दो दोस्त मिलेंगे, बैठेंगे और बात बन जाएगी। तो भारत से जो कुछ चाहिए रूस से वो भी देख सकते हैं आप। 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स की आपूर्ति पर समझौता होगा। अमेठी के में ये फैक्ट्री बनेगी जो 203 राइफल्स हमें मिलने वाली हैं।
पहली 70,000 राइफल्स में लगेंगे रूस के तकनीक, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, अंतरिक्ष कारोबार से जुड़े 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। और डिफेंस सिस्टम, ये 400 के सप्लाई पर किस तरीके से उसकी सप्लाई की जाएगी, इस पर भी एक समझौता होगा। और पूरी नजर रूस की है कि भारत और अमेरिका के संबंध क्या है, अफगानिस्तान के संकट पर, आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों बातचीत करेंगे। और क्वाड, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक बड़े पार्टनर के रूप में हैं, उस पर भी परिचर्चा होगी, क्योंकि रूस इसका पार्टनर नहीं है। और जापान का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, यूक्रेन का जिक्र भी हम कर रहे हैं। हमारे अपने विशेषज्ञों के साथ जब मैं चर्चा करूंगा तो ये बताने की कोशिश आपको करूंगा कि किस तरीके से दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है रूस, और वो दोनों देश भारत के बहुत अच्छे संबंधी और सहयोगी हैं, मित्र हैं। खास करके जापान का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और जापान के साथ तनाव की स्थिति है रूस की, और इसके बावजूद भारत के साथ शिखर बैठक होने जा रही रूस की। तो मतलब भारत उस स्थिति में है जब रणनीतिक सहयोग के लिए वो किसी को अपने यहां बुला सकता है, कहीं जा सकता है, और ये तय कर सकता है कि संबंधों की दिशा क्या होनी चाहिए ताकि उसकी दशा बेहतर रहे। ये रणनीतिक सहयोग किस आयाम पर जाकर के सधता है, ये भी हम इस डिबेट में चर्चा करेंगे, और आपको बताएंगे कि जब दो दोस्त मिलेंगे तो बात बनेगी, और वर्ल्ड एक्सिस पर भारत और रूस का संबंध पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा, उस स्थिति में जब अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी चर्चा होती है। तब यही कहा जाता है कि अमेरिका के लिए भारत इतना झुक गया है, और आज अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की रणनीतिक ताकत कितनी मजबूत हो चुकी है। तो आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा, हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। केवल ढींगरा साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, मणिशंकर अय्यर साहब ने जो सवाल उठाए थे आज मैं उनसे उस पर सवाल लूंगा। ढींगरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज पर जुड़ने के लिए। गुलरेश शेख, इनका भी परिचय मैं देना चाहूंगा। गुलरेश भाई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, बीजेपी राष्ट्रीय सेल के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, और विदेश मामलों पर मैं बताना चाहता हूं कि ये किताब भी लिख रहे हैं, और विदेश मामलों पर इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी में। और पिछले 8-9 सालों से विदेश मामलों पर जो ये काम कर रहे हैं उसको मैं बहुत नज़दीक से देखता रहा हूं। तो गुलरेश भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े प्रवक्ता के तौर पर माने जाते हैं जब आर्मी का कोई प्रोजेक्शन करना होता है, थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ेंगे। तो तीन खास मेहमानों के साथ भारत और रूस के संबंध और हमारे दोस्त के भारत पहुंचने के संदर्भ पर हम चर्चा शुरू करेंगे। गुलरेश भाई, पहुंच रहे हैं पुतिन साहब, और मणिशंकर अय्यर साहब ने एक सवाल उठा दिया था आज के 10 दिन पहले, और उस पर भी हमने चर्चा की थी एवी स्टार न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे, पुतिन साहब यहां पहुंच रहे हैं तो क्या देने जा रहे हैं और भारत से क्या लेने जा रहे हैं? अब ये तो आप बताएं, ये आप दो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात है, मैं इस पे कैसे बोल सकता हूं? जी बोलें। पुतिन साहब का तो जो दौरा है वो अपने साथ है ही सही, लेकिन उसी के साथ साथ 2+2 भी हो रहा है। 2+2 का मतलब है कि उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री
जी ये भी भेंट करेंगे, तो ये अपने आप में बहुत हाई लेवल की हाई डेलीगेशन की बैठक है और इसका ये दिखाता है कि कितने प्रगाढ़तम संबंध हैं हमारे। इसके पहले हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हुआ करता था 2+2, उसको हमने दूसरे उन देशों के साथ भी एक्सटेंड किया जो हमारे सच में निकट है, और चाहे विश्व के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या UNGA हो या फिर डिफेंस का मामला हो, साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट उनके साथ मिलते हैं और उनके हमारे साथ मिलते हैं। तो ये पुतिन +2+2 है, तो ये अपने आप पे बहुत पावरफुल मैसेज है, पॉलिटिकली भी बहुत पावरफुल मैसेज है, डिप्लोमेटिकली भी बहुत पावरफुल मैसेज है, और डिफेंस एनालिसिस के अनुरूप यदि हम देखें तो भी बहुत प्रगाढ़ मैसेज है और अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे संबंध किस स्तर पर है। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका के बेशक नजदीक है, और मैं ये कहने में फक्र महसूस करता हूँ कि आज के समय हम ऐतिहासिक रूप से अमेरिका से सबसे ज्यादा नजदीक है। और ये जो नजदीकी है ना, देखिए हम फॉरेन पॉलिसी को यदि देखें तो चाहे रूस हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, किसी को भारत के साथ कोई मीठा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में जो परमानेंट चीज होती है वो परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट फो नहीं है, लेकिन राष्ट्र के जो हित होते हैं वो ही परमानेंट हुआ करते हैं। गुलदेश भाई, मुझे एक बात याद आ रही जब आप ये बात बोल रहे हैं, आज के मुझे लगता है 15 साल पहले जब भारतीय राजनीति के प्रकाश पुरुष कहे जाते थे बलराज मधोक, और ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि बलराज मधोक साहब के अंडर में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी भी रहे हैं, तो हमारा उनसे हमारी मुलाकात हुई 3-4 मुलाकातों के दौरान जो मैंने इंटरव्यू लिया, अभी भी वो साक्ष्य के तौर पे मौजूद हैं। तो बलराज मधोक साहब कहा करते थे कि दिवाकर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब विदेश नीति की बात आती है तो उसमें संबंधों की जो धार होती है, उसकी जो गर्मी होती है, वो पारस्परिक हित और विशेष करके उस राष्ट्र के अपने हित होते हैं, और वहां पर एक सैद्धांतिक पक्ष जुड़ा होता है, और अगर ये दोनों का जुड़ाव हो तो बस वही विदेश नीति है। और लगता है कि भारत उस विदेश नीति पर प्रकारांतर से आगे बढ़ रहा है, जो आप कहना चाह रहे हैं। ये तो बिल्कुल उन्होंने बलराज जी जो सही कह रहे हैं आप, मैं और दो महापुरुषों का उल्लेख करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी देश की होती है वो मूल्यों पर आधारित नहीं होती, हितों पर आधारित होती है। और वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि उन्होंने कहा था कि अरब देशों को कहा था कि हम इसराइल के मसले पर आपका समर्थन यदि करते हैं तो आपको कश्मीर के मसले पर हमारा समर्थन करना चाहिए। गुलदेश भाई, यहाँ मैं रोकूंगा आपको, यहाँ रोकूंगा क्योंकि कांग्रेस के भी हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं प्रवक्ता के तौर पर। सवाल मैं वहीं से करूंगा केवल साहब, और इसीलिए एवी स्टार न्यूज पर मैं उसी बयान से ही डिबेट की शुरुआत किया जो मणिशंकर अय्यर साहब ने कही थी कि रूस के साथ भारत के संबंध गर्त में चले गए हैं, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, शिखर बैठक होने जा रही है, 2+2 पर वार्ता होगी, और इतने बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत बड़ा निवेश भी होने जा रहा है। केवल ढींगरा साहब ये बुरे संबंधों का परिचायक है या बेहतर संबंध है उसमें एक नई धार मिल रही है उसका परिचायक है? नहीं, देखिए बात यह है कि जिस तरह से उनको भी मिलके आए तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के प्रधानमंत्री और दूसरी कंट्री के प्रधानमंत्री अगर जाए तो उनको आपस में संबंध अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारत है और भारत के संबंध हर देशों से अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप अगर इस तरह की बात करें वहां की अब की बार ट्रंप सरकार, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो है, जो अगला प्रधानमंत्री कोई भी आने वाला है, उससे आप खुद ही संबंध अपने खराब कर रहे हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी जो मणिशंकर अय्यर जी ने भी जो बात करी होगी, तो अगर अभी आप जो कह रहे हैं कि देखिए डिग्रा साहब की नहीं होगी, सुनिए,
जो हम बताते हैं वो तथ्यों के साथ और हमारे स्क्रीन पर मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कहा है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। हम कोई बात हवा हवाई नहीं करते, इसलिए वो स्क्रीन पर आप देखिए, हमारे स्क्रीन पर मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कहा है वो बयान चल रहे हैं। अब आप बोलिए। देखिए ऐसा है, उन्होंने बोला होगा, मैं तो आपके आपको उसके बाद बात करूं, मैं उसके बाद ये कहना चाह रहा हूं आपको जी, कि आपने कहा कि वो दो दोस्त मिलेंगे, अभी वो पहली बार इनकी मीटिंग हो रही है और वो दो दोस्त मिलेंगे। हाँ, पिछली अलग अलग कई तरह के उसमें मीटिंग हुई होगी, लेकिन वो अलग से जो शस्त्र खरीदने के लिए या व्यापार की संबंधी बात करने के लिए या इस तरह की बात की चर्चा के लिए वो भारत आ रहे हैं, तो अगर किसी को किसी से हम कोई भी शस्त्र खरीदने के लिए बातचीत करें तो कोई भी देश आ जाएगा। बस 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 सिर्फ शस्त्र नहीं नहीं, आपकी बात ऐसे सुन लेंगे, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए ना। शस्त्र ही नहीं खरीदे जा रहे हैं, शस्त्र ही नहीं खरीदे जा रहे हैं और खरीदे नहीं जा रहे हैं, दोनों देश मिलकर के बना रहे हैं। पहले आप उन शब्दों और वाक्यों को देखिए, वो भी हमारे स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाए जा रहे हैं, क्या समझौते होने जा रहे हैं। और आपको पता है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, अमेठी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, अमेठी में वो कारखाना लगने जा रहा है, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, और पूर्वांचल के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। AK-47 एक प्राइम वर्जन है, AK-203 का निर्माण होगा, मेक इन इंडिया के तहत होगा, कितने उदाहरण दूं। और आप बताइए दिवाकर साहब, मुझे मैंने आपकी बात भी सुन ली, चैनल की बात भी सुन ली, और जो आपने विजुअल चलाए वो भी बात मैं आपकी सुन रहा था। आप जवाब तो ले, बात ये है कि आपने जो बात कही है कि समझौते होंगे, जिसको जिस उसमें रशिया को अमाउंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, समझौता तो होगा, भारत के लिए शस्त्र खरीदे जाएंगे या नहीं खरीदे जाएंगे, मैं तो वही बात कह रहा हूँ। केवल साहब और पैसा तो भारत देगा, केवल साहब समझिए, केवल साहब, केवल साहब, केवल ढिंगरा साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तथ्यों पे हम बात करें ना। हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत दोनों देश उस डेवलपमेंट पर साथ आगे बढ़ेंगे, भारत में ही निर्माण होगा, तकनीक उनकी होगी, मैन पावर हमारा होगा, फिर वो तकनीक हमारा हो जाएगा। सर आप इस बात को समझिए, और जब भारत और रूस के, और तब रूस नहीं तब सोवियत संघ था, सुन लीजिए अब पूरी बात, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं तथ्यों पर चर्चा करिए। हवा हवाई बातें हम न मैं करूंगा सर, और न मैं सर बुरा मत मानिए बोलने भी नहीं दूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि उस बात को बताइए कि ये संबंध कांग्रेस के समय ही कायम हुए थे, और इंदिरा जी ने इस संबंध को कितना आगे बढ़ाया था, क्या भाजपा का कोई नेता इसको अस्वीकार कर सकता है? तो फिर क्यों नहीं स्वीकार कर सकते आप कि मोदी सरकार के कार्यकाल में वो दशा, संबंधों की जहां तक बात कर रहा हूं, वो और अच्छी हुई है? ये बात कहने में आपको क्या बुराई है, क्या गुरेज है? सुनिए तो सही ना। हाँ सुनाइए, आपको सारी बात सुनाइए सुनाइए। देखिए जहां तक आप जो बात कह रहे हैं, अभी बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, चाइना के साथ संबंध बनने थे, वहां से बुलेट ट्रेन आई है। आप ये बताइए कि उसमें बुलेट ट्रेन भी आ रही है और हमारे वो जमीन पे भी कब्जा कर रहे हैं, दोनों तरफ बात है ना। चाइना के साथ हमारे, आप सुनिए तो सही, सुनिए मेरी पूरी बात हो रही थी। ऐसा है कि कई चीजें दिखने में कुछ और होने में कुछ और होती है। रफेल का जो एक जहाज है वो 500 करोड़ का आ रहा था, वो 1600 करोड़ में आ रहा है। अभी ये देखिए ना उसकी अमाउंट का जिक्र है। चाइना के प्रधानमंत्री भारत में आए, प्रेसिडेंट, उनको झूला झुलाया मोदी जी ने, लेकिन बाद में हम चाइना ने हमारे फौजियों के साथ क्या किया? केवल साहब, केवल साहब, केवल साहब, विषयांतर नहीं करने दूंगा मैं आपको, मैं आपको विषयांतर नहीं करने दूंगा सर। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये संबंध गर्त में गए हैं तो आपको पिछले नहीं नहीं चार दशक में, नहीं नहीं पिछले चार दशक में भारत रूस और उसके पहले भी जब सोवियत संघ था, तो भारत और सोवियत संघ के संदर्भों की तुलना पर ही आपको बोलना है। सर ऐसी बातें क्यों बोलते हैं जो सुनते सुनते लोगों के कान पक जाएं?
देखिए मैं तो किसी एक कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो मुझे फैक्ट पे नजर आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ कि भारत और रूस के संबंध गर्त में चले गए हैं क्या? बस नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हर देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर मोदी जी जाके वहां पे आपकी बार ट्रंप सरकार करेंगे तो आता आने वाला प्रेसिडेंट जो है उससे संबंध अच्छे शायद नहीं होंगे। अच्छा, ये बात है अमेरिका से, अगर वो झूला, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, पूरा उसके बाद समझ आएगी, लोगों को भी आएगी, आपको भी आएगी, प्रवक्ताओं को भी आएगी, सभी को आएगी। ठीक है, जिस तरह से झूला झुलाया था यहाँ पे आके और हमारे फौजियों के साथ उन्होंने बॉर्डर के ऊपर क्या किया, वो जब तक बातचीत क्लियर नहीं हुई और उन्होंने हमारे इलाकों पर कब्जा किया और उसके बाद भी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है और हम सिर्फ उनके जो है अगर हम वो हमारा इतना नुकसान करते हैं और हम उनके साथ क्या करते हैं कि उनकी एक ऐप को बैन कर देते हैं, सिर्फ एक ऐप का बैन करके हम ये सोचते हैं कि हमने उसके साथ अपना बदला पूरा ले लिया। गुलरेश शेख, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि केवल ढींगरा साहब जो बातें कर रहे हैं निश्चित रूप से वो भारत रूस संबंधों पर तैयारी करके नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो विषयांतर कर रहे हैं और विषयांतर को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। गुलरेश शेख, फिलहाल इन्होंने जो सवाल उठाए उसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इनको भाजपा से वो जवाब चाहिए, मैं दूंगा तो वो बात दूसरी हो जाएगी। जी आप दीजिए। बस वही बात मैं कह रहा हूं कि हमारा संबंध बुलेट ट्रेन का जापान के साथ है और ये चीन का उदाहरण दे रहे हैं। पहली बात, दूसरी बात, वो जो ट्रेन का प्रोजेक्ट रुका हुआ है जो बॉम्बे से अहमदाबाद का था, वो देवेंद्र फडणवीस सरकार में अच्छी तरह से चल रहा था, जब से ठाकरे सरकार सपोर्टेड बाय कांग्रेस और एनसीपी है वो प्रोजेक्ट रुक गया है, जिसके बारे में कांग्रेस के लोग बार बार पूछते हैं क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वहां की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है। क्या कर लीजिए, हंसी मता उद्धव ठाकरे के पुत्र ने चुनाव के कुछ दिन पहले जो बुलेट ट्रेन का शेड बनने वाला था वहां पर जाके क्या हंगामा किया था, किस प्रकार से एफआईआर हुई थी, किस प्रकार से शिवसेना के कार्यकर्ता बीच में आए थे, ये सबको मालूम है। तो इस पर हंसने से कुछ नहीं होगा, जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मौजूद मुद्दे पर जो कि भारत और रशिया के बीच का संबंध जब नहीं मिला वहां से तो फिर ये हुआ कि उसे चाइनीज मेड जो सिस्टम है जो कि आप कह सकते हैं कॉपी करने की कोशिश करी है 300 सिस्टम को, जो चाइना खुद इतना यूज नहीं करता था, क्योंकि चाइनीज जो कॉपी है रिवर्स इंजीनियरिंग वाली इतनी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाउ और एक होता है वाई। तो चाइनीज हाउ तो कर लेते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके, लेकिन वाई नहीं जानते, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रशिया ने पाकिस्तान को हथियार नहीं दिया था और हिंदुस्तान को दिया है। फिर आप यदि रिश्तों की प्रगाढ़ता को देखना चाहें तो रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को चाहता है, न केवल रशिया चाहता है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस भी चाहता है, अंदर चीन लगाता है वहां पर, और कोई भी संबंध होता है। देखिए आप ये कह सकते हैं कि रशिया चाइना के बहुत करीब, बिल्कुल करीब है, लेकिन हम भी यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत करीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये जो संबंध है हमारा वो हमको रशिया से दूर कर रहा है या बिल्कुल चाइना से जो उनका संबंध है वो भारत से हम उनको दूर कर रहा है। देखिए ये दोनों बहुत बड़े देश है, हम भी बहुत बड़े देश है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोवर्जिनिटी में विश्वास रखते हैं और रशिया भी वैसा ही है। रशिया के विषय में बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं कि उसकी जीडीपी आज बहुत नीचे है, दो विशेषज्ञ हथियारों पर बोल रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र को जोड़ने की कोशिश करें। और हाँ गुलेश भाई, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, हाँ, तो मुझे तो ये भी उम्मीद है कि ये जो दौरा होगा
राष्ट्रपति का, इसमें हो सकता है कि S-500 या S-550 पर भी संवाद हो, चर्चा हो। और मैं थोड़ा सा कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जी को यह बताना चाहता हूँ कि अमेरिका नहीं चाहता था कि हम S-400 लें, यहाँ तक कि अमेरिका ने काटसा की तरह सेंशन के तहत भारत को सेंशन करने की भी बात की थी दोनों प्रशासन ने, ट्रंप प्रशासन ने भी और बाइडन प्रशासन ने भी। लेकिन हम मानते हैं कि हमारी डिफेंस नीति और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है तो हमने यही रोकना चाहूंगा उदेश भाई, यही आपको रोकना चाहूंगा। और कांग्रेस के नेता से केवल ढिंगरा जो प्रवक्ता भी है उनसे सवाल करूंगा। आपने सुना S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो हमने रूस से लिया और अमेरिका इसका विरोध कर रहा है, बावजूद हमने रूस से लिया और रूस हमें दे रहा है। यही तो वो ताकत है भारत की कि हम दोनों से जो चाहते हैं वही लेते हैं और जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ये और दोनों के साथ हमारे संबंध हैं। विदेश नीति तो यही कहती है केवल साहब, या कुछ और? दिवाकर जी देखिए, विदेश नीति बहुत बढ़िया होनी चाहिए हमारे देश की, बात सही है। लेकिन जहां तक मैंने सवाल उठाए थे उसके जवाब साहब दे के नहीं गए, वो इधर उधर की बात करके चले गए। मैंने उनसे ये पूछा था कि अब की बार ट्रंप सरकार किसने किया था, वहां संबंध बिगड़े या अच्छे हुए? अच्छा, इसका जवाब, इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए, पहले इसका जवाब लीजिए भाई। उन्होंने जो कहा था, हाँ, थोड़ा सा देखिए ये चीजें अब वो जमाने तो रहे नहीं है कि चीजें पब्लिक डोमेन उस तरह से नहीं रहती। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको पूरा बयान मिल जाएगा। मोदी जी ने ये कहा था कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन में ये पंचलाइन यूज करी थी कि आपकी बार ट्रंप सरकार, कौन से इलेक्शन की बात कर रहे थे वो, वर्ष 2016 में जो ट्रंप ने चुनाव लड़ा था। ये सब बात को जाहिर है, ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये नहीं कहा था कि आपकी बार ट्रंप सरकार लाओ, उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने यह पंचलाइन यूज करी थी और वो जो प्रोग्राम था टेक्सस में जो हो रहा था वो हिंदुस्तानियों के बीच था, इसलिए उस चीज को यूज किया गया था। लेकिन आप ये देखिए ना कि उसके उपरांत जो बाइडन ने जिस प्रकार से दोस्ती का हक मोदी जी के साथ और हिंदुस्तान के साथ बढ़ाया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली वो, उनको हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत है, इसलिए है। और रिश्ते देखिए, विदेश नीति में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता कि हमारे दोस्ती का संबंध है या हम इस देश को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए म्यूचुअल से ही होता है कि जब म्यूचुअल हित मिलते हैं तो वो देश एक हो जाते हैं। किसी जमाने में यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब पाकिस्तान की जरूरत थी तब उसके साथ था, आज हमारे साथ है। तो ये चीजें गिव एंड टेक चलता है, देशों को ये करना होता है कि चीजों को अपने हित में यूज करें और अपनी प्रोग्रेस करें। चाहे रशिया के साथ हमने जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए हैं, उदाहरण के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमने जॉइंटली डेवलप की है। अभी भी जो भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं रशिया, हमको टेक्नोलॉजी नो हाउ भी दे रहा है। और जो आप बातें करते हैं ना कि मोदी सरकार में ये नहीं हुआ और हम अमेरिका के इतने क्लोज चले गए, रशिया से दूर चले गए, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं आपको। केवल बात कर रहा हूं मैं साल 2018-2019 में भारत ने रशिया से 15 अरब US डॉलर का हथियार खरीदा है। और भारत ने पिछले 10 सालों में, ये केवल 18-19 का बता रहा हूं आपको, पिछले 10 सालों में अमेरिका से केवल 17 अरब डॉलर खरीदा है। तो आप गैप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है कि हमने रशिया से कितना खरीदा। और रशिया से हमने पिछले 3 दशकों में, उसमें वाजपेयी सरकार भी रही है, उसमें मोदी जी की भी सरकार रही है, उसमें आपकी भी सरकार रही है, हमने 30 अरब US डॉलर खरीदा है। और जब आप लोग अमेरिका के करीब जाने से देखिए, मनमोहन सिंह जी को हम कुछ चीज पर अच्छा भी बोलते हैं कि उन्होंने रीढ़ की हड्डी दिखाई थी जब अमेरिका के करीब जा रहे थे और आपकी सरकार को समय लेफ्ट समर्थन कर रहा था, तब भी आपको लग रहा था कि ये हित में है देश के, तो अमेरिका के करीब जा रहे थे, तब वो आपके हिसाब से राष्ट्र हित में था। जब मोदी जी जो यदि अमेरिका के नजदीक जाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो जब विदेश नीति भाई साहब हम बनाते हैं ना, तो विदेश नीति में राष्ट्र के हित रखा जाता है, ना कि पार्टी के हित को। और जो देश राष्ट्र हित के बरक्स पार्टी के हित को ऊपर रखता है पाकिस्तान बन जाता है, इसलिए हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब डिंगरा साहब जवाब मिला? देखिए बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने गोल गोल घुमा लिया इस बात। नहीं, गोल गोल तो नहीं है सर,
अब वो आप सीधा सीधा घुमाइए, आप सीधा घुमाइए उसे। हाँ मैं बताता हूँ, जिस समय मोदी जी वहां के इलेक्शन में गए थे और ट्रंप जी का हाथ उठा के ये इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे वहां के, अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये जो विधान वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे और जीते कौन जो विधान, तो ये जो मैंने पूछा था उस सवाल का जवाब ये चुरा गए। अब दूसरी बात मैंने पूछी थी कि चाइना के अंदर जिस समय ये उनको यहाँ बुला के पींगे जो होती है जिस तरह अपना झूलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये सवाल आप संसद में पूछिएगा, सुनिए सुनिए, नहीं नहीं इस पे नहीं सर, हमारे पास समय की सीमा है, केवल डिंगरा साहब हम विषयांतर नहीं करने देंगे, ना 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 ना, प्लीज प्लीज, मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत और रूस के संबंधों पर बातचीत करेंगे, भारत और रूस के संबंधों पर आपके नेता का बयान आता है जब हम एक एक दशक के हिसाब से आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं और भाजपा के नेता से उसका जवाब ले रहे हैं, तो आप सवाल करिए, आप कहां चीन के साथ झूला झूलने की बात करते हैं, आप विषयांतर क्यों करते हैं सर? दिवाकर जी, ऐसा है, मैं मोदी जी के काम बता रहा हूं 7 साल के। अगर आप बात करेंगे कि आप सिर्फ रशिया पे बात करना चाह रहे हैं और सिर्फ ओनली हथियारों पे बात करना चाह रहे हैं, तो रशिया तो हमारा पहले भी दोस्त रहा है, तो अब क्या है ये बताइए, नहीं अब क्या है मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए देश के लोगों को सब कुछ पता लगना चाहिए, नहीं अभी अभी लोगों को यही पता लगना चाहिए कि रशिया के और भारत के समझौते बहुत अच्छे पहले भी रहे और आज, लेकिन जिस समय एक मिनट सुनिए ना, नहीं आज क्या है, आज क्या है मुझे सवाल, आप मेरे को अगर पाठ पूरा नहीं होने देंगे तो फिर मैं बताऊंगा कैसे, आप सुनिए ना, केवल ढींगरा साहब मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं प्लीज आप उसका उत्तर दीजिए। सर जब विदेश नीति पे हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास तथ्य और प्रमाण होने चाहिए, और विदेश नीति, सुन लीजिए प्रमाण तो तब मिलेंगे जब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, अगर आप उनको पूरा मौका देंगे बोलने का और मुझे बीच में टोकेंगे तो कैसे बोल सर, अगर आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो विषयांतर हो जाते हैं तो इस समय सीमा में हम वो डिबेट में नहीं ले सकते मुद्दे, अभी बहुत डिबेट के पक्ष हैं रूस के संदर्भ में। देखिए ऐसा है, रूस के संदर्भ में भी मैं बोल रहा था, हाँ उसी के पर, जी उसी मैं आपको ये कह रहा हूँ, रशिया से हमारे संबंध आज से नहीं है, नेहरू के जमाने से लेके और अब तक है, मैंने पहले भी कहा, सुनिए अब तक है, और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ उससे पहले भी थे संबंध हमारे रशिया के साथ अच्छे थे, और रशिया से हमने एक पहली बार हथियार नहीं ले रहे, पहले भी हमने बहुत सारे हथियार लिए हैं वहां से, और पैसा दे तो सारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, आपने कोई चीज खरीदारी करनी हो तो संबंध अच्छे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ज्वाइंट प्रोग्राम किया जा रहा है तो ये भी अच्छी बात है, ये कहिए ना जी, लेकिन मेरी बात पूरी होने, इसके साथ साथ मैं आपको मौजूदा प्रधानमंत्री के जो किस्से हैं 7 साल के उसकी बात क्यों ना करूं, रफेल पे मामला उठ रहा है, अच्छा ये बताइए मामले रख रहे हैं ढींगरा साहब सुन लीजिए, देखिए आप बोलते रहेंगे हम उसी मुद्दे पर ले आएंगे सर, प्लीज हमारे साथ आप जब भी चर्चा में बैठते हैं हम विषय से भटकने नहीं देते। मुझे ये बताइए अमेठी में फैक्ट्री लग रही है AK-203 राइफल, 7.5 लाख से अधिक राइफल्स बनेंगी भारतीय सेना के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आइए अब राजनीति के मुद्दे पर, मेरी बात सुनिए, अभी उन्होंने 6 दिसंबर को यहाँ आना है और उसके बाद समझौते होने हैं, उसके बाद ये चर्चा संभव है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या आया, क्या हमें मिल रहा है, क्या हमें समझ में आ रहा है और हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और वो कितना हजम में बची है। अच्छा सुनिए, समझिए 500 ना, वो बात तो रफेल पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अमेठी में सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, अमेठी में फैक्ट्री लगने जा रही है, उसका शुभारंभ होने जा रहा है, रूस और भारत के बीच समझौते में दस्तखत होने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी,
अब तो राजनीति भी कोई भी सुनिए हाँ, आज तक 7 साल के अंदर कोई भी समझौता अगर प्रधानमंत्री ने किया है तो वो हमेशा गुजरात के लिए किया है। अमेठी के लिए तो कर रहे हैं ना, कोई समझौता पूरे भारतवर्ष को गुजरात से का छोड़ के कहीं नहीं किया है भाई। आपको ये भी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो अमेठी को चुन के वहां पे बात कर रहे हैं हाँ। ये भी आप आपको समझने की जरूरत है कि यूपी के चुनाव के लिए दिया जा रहा है वो, आपने बोल दिया, मैं भी समझ रहा हूँ। फायदा होगा ना। देखिए फायदा नुकसान हो, अपना फायदा क्यों लेना चाह रहे होंगे, कब समझौता होगा कंपनी कब नहीं होगा ये बात समझ आएगी। अच्छा केवल साहब, चलिए आपने मान लिया कि फायदा होगा और ये बड़ा फायदा होगा, खैर गुलेज भाई एक सवाल है, केवल जी अनुरोध है, उस सवाल को सुनिए और आप भी मंथन करिए सर, आप भी जवाब दीजिएगा। गुलेज भाई, जब रूस के राष्ट्रपति यहां पहुंच रहे हैं तो एक परिस्थिति रूस में भी बनी हुई है कि वो जापान के खिलाफ सरगर्म है, उन 4 द्वीपों का मामला है, यूक्रेन के खिलाफ जिस तरीके से रूस सरगर्म है, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और ऐसी स्थिति में वो दोस्त भारत के पास पुतिन साहब आ रहे हैं, जबकि जापान और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। केवल साहब आप इन सवालों को सुनते जाइएगा और इस पे बहुत समझदारी से जवाब दीजिएगा सर, प्लीज। ये विदेश नीति पर चर्चा है सर, किस नजरिए से देखते हैं गुलेज भाई, पहले गुलेज भाई आप बोलें जी। दिवाकर जी, कितनी देर का समय मिलेगा मुझे, क्योंकि ये नहीं, ये महत्वपूर्ण विषय है सर, समय सीमा तो है, लेकिन आप इसको स्पष्ट करें और जल्दी जल्दी में ये बातें स्पष्ट करें, मुझे तो मैं समझा पाऊं, क्योंकि जी 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 बोले क्या है, कुरील आइलैंड की लोकेशन मुझे पहले मुझे व्यूवर्स को बतानी जी 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 जी, और यदि मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं, यदि आप कुरील आइलैंड का मैप लगा सके जी। ऐसा है सर, वो मैप जो है वो हमारे लूप में चल तो रहा है लेकिन वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है, आप उस पर बोलते रहिए, वो बार बार वो लूप में आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जापान जो है, जापान के 4 प्रमुख आइलैंड है और सबसे जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो आता है होकाइडो आइलैंड। तो होकाइडो आइलैंड थोड़ा सा व्यूअर्स अपने दिमाग में रखे, जापान को देखो, जापान का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन का आइलैंड है उसको कहते हैं होकाइडो आइलैंड, और होकाइडो आइलैंड के ऊपर वो कामचटका पेनिनसुला के नीचे, आप ये थोड़ा मैप में दिखा दूं इसमें भी दिख सके लोगों को, तो दर्शकों को, तो ये जापान का होकाइडो आइलैंड, ये रहा जापान, ये जापान का होकाइडो आइलैंड है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड आता है जापान का होकाइडो, और ये है कामचटका पेनिनसुला, ये रही कामचटका पेनिनसुला, लगभग 1100 किलोमीटर की पेनिनसुला है, रशिया की बिल्कुल फार ईस्ट, मतलब साइबेरिया का फार ईस्ट रीजन है, उसके बीच में जो आइलैंड आते हैं ये कामचटका पेनिनसुला, ये रही कामचटका पेनिनसुला, और ये रहा होकाइडो आइलैंड, उसके बीच में 56 आइलैंड आते हैं, 56 आइलैंड आते हैं, इसको कहते हैं कुरील आइलैंड, और इसमें जो जापान से लगे हुए नीचे के 4 आइलैंड है ना, उनके ऊपर जापान का और रशिया का पुराना विवाद है, जापान कहता है कि आइलैंड हमारे हैं, रशिया कहता है कि ये उनके हैं, और शायद 1851 में ट्रीटी ऑफ शिमगोला हुई थी जापान के बीच में, इंपीरियल जापान और इंपीरियल रशिया के बीच में, जिसके तहत हुआ ये था कि ऊपर के सारे आइलैंड जो थे वो दे दिए गए थे रशिया को, नीचे के 4 जो आइलैंड थे वो जापान के पास आ गए थे, लेकिन फिर होता है द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में जस्ट वो हिरोशिमा के ऊपर जब एटम बम अमेरिका ने फेंका था उसके जस्ट बाद यूएसएसआर बन गया था रशिया से, सोवियत संघ भी अपने आप को वॉर में डाल देता है, और जब वॉर खत्म होती है तो नहीं गुलेज भाई, मैं ये चाहता हूँ कि ये बताएं कि अभी जापान से तनातनी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या कुछ इस तरह की बातचीत हो सकती है, जैसे कि क्वाड के मुद्दे पर अगर चर्चा होगी? नहीं, मैं भी उसी पर, हाँ, सर उसी पर आए प्लीज सर, हमारे पास समय कम होता है, हम उन मुद्दों पर सर चर्चा करें जी जी, बताएं। तो क्या है कि रशिया का जो रशिया के पास पैसिफिक में जाने के लिए एक ही एंट्री है, वो व्लादिवोस्तोक से आती है, लेकिन व्लादिवोस्तोक का जो रीजन है वो ठंड के टाइम पूरा फ्रीज हो जाता है, तो ये जो कुरील आइलैंड है ना उसी से उसको पैसिफिक की एंट्री मिलती है, तो अभी उन्होंने अपनी 500 किलोमीटर की मारक क्षमता मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है जी, और ये मिसाइल सिस्टम जो डिप्लॉय किया है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तरह से ऐसा नहीं मैंने बोला गया था कुछ भी कि जापान की शिप्स पर रशिया हमला करने वाला है, मतलब अमेरिका आएगा, ये सब कुछ नहीं होना है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दो रीजन से है जो मेरा ऐसा एनालिसिस है। एक तो है
कि इंडो पैसिफिक की जो बात चल रही है उसमें अमेरिका ने एक तरह से बाहर रखा है रशिया को, तो रशिया ये बोलना चाहता है कि भाई साहब हम भी यहाँ पर हैं। बस यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब रशिया ये बोलेगा, इम्पोर्टेंट एक और चीज है सर, उससे इम्पोर्टेंट एक और चीज है, और ये अभी क्या हो रहा है कि हम वेस्टर्न मीडिया में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे जो मेरे मित्र हैं जो फॉरेन पॉलिसी पर नजर रखते हैं, वो बता रहे हैं कि जो यूक्रेन में हो रहा है ना, यूक्रेन में ऑलरेडी अमेरिका के सैनिक बैठे हैं, तो यूक्रेन चाहता है कि नेटो में आ जाए और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पर नेटो आए, इसलिए ये गर्मा गर्मी चल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि चीजों को यूक्रेन में ज्यादा गर्म नहीं किया जाए, यूक्रेन को नेटो में नहीं डाला जाए, वरना बिल्कुल बिल्कुल गुलेश भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं समझ गया कि रूस का इन दोनों देशों से तनातनी है, जब भारत आ रहा है तो चूंकि क्वाड पे चर्चा करते हैं कि ये मुख्य मुद्दा है ना, क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ है, तो क्या भारत से इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारत की अहमियत है इस रणनीतिक सहयोग में, भारत भी एक अहमियत रखता है, कम से कम जापान के साथ संबंधों की बात अगर की जाए तो। दिवाकर जी दो चीजें आप याद रखिए कि जिस प्रकार से अमेरिका की और हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती ईरान के मसले पर, ईरान के ऊपर वो सेंक्शन लगाना चाहते हैं, भारत ईरान को अपना मित्र देश मानता है, अमेरिका चाहता है कि हम रशिया से वेपन्स नहीं खरीदें, S-400 नहीं खरीदे, हमने साफ मना कर दिया नहीं हम खरीदेंगे, उसी प्रकार से रशिया की और हमारी वेवलेंथ क्वाड के नाम पर नहीं मिलती है, और ये बात हम स्पष्ट रशिया को भी कर सके हैं, तो सबकी लाइन डिमार्केटेड है, अमेरिका की लाइन हमने बांध दी है कि नहीं हमको जिससे हथियार खरीदना होगा आपकी दादागिरी हम नहीं सहेंगे, और रशिया को भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम क्वाड में है क्वाड में रहेंगे, इसी को कहते हैं भाई साहब फॉरेन पॉलिसी की फ्रीडम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बस गुलेश भाई यही यही पे मैं आपको रोकूंगा, आप बताइए केवल धिंगरा साहब, पिछले 5 मिनट से 5 देशों के साथ संबंधों और रूस के राष्ट्रपति का भारत पहुंचना, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सबके साथ अपने हितों के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, अब आप बोलिए और संख्यात्मक बात रखिएगा। देखिए बात ये है कि जापान रशिया के इस विवाद में है, या रशिया जापान के इशू है, या अमेरिका के इशू है, वो अलग मामला है उनका, वो ठीक है उनके मामले हैं, और सारे भारत में भारत के मामले जो है हमारे बॉर्डर स्टेट के ऊपर है। हम अपने बॉर्डर स्टेट की बात करें अगर, तो ये देखिए कि जिस तरह से हमारे बॉर्डर स्टेट कितने 7 साल के अंदर मोदी जी के कितने कारनामे रहे और क्या रहा, उसके बारे में तो हम चर्चा करें, लेकिन जहां तक अगर अमेठी चुना गया इस मामले में, तो ये तो यूपी का चुनाव है इसलिए चुना जाओ हो सकता है, और जहां तक वो 9 दिसंबर को आ रहे हैं, 6 दिसंबर को आ रहे हैं, तो उसके बाद फरवरी मार्च में अगले 2-3 महीने में चुनाव हो रहा है, तो माइलेज लेने का काम हो सकता है या जब मैंने आपसे सवाल किया, जब मैंने अमेठी का जिक्र किया, बात कर सकते हैं कि आज ये मुद्दा उठा है, और आईटी सेल बीजेपी के द्वारा जो मुद्दे उठते हैं वो सारे देश को मालूम है कि आईटी सेल कैसे मुद्दे बनाती है और कैसे उठाती है और कैसे लोगों के मुंह में डाले जाते हैं। चलिए केवल साहब मैं एक अनुरोध करूंगा कि जैसे ही व्लादिमीर पुतिन साहब आए, मेरी बात सुन लीजिए सर, केवल साहब जब व्लादिमीर पुतिन आए, भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की मुलाकात हो, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 के तहत मुलाकात करें, शिखर बैठक के सारे मुद्दों पर चर्चा हो, तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि अपने पार्टी से कहिए कि जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जो जो समझौते हुए, कांग्रेस का एक पक्ष आना चाहिए कि ये ऐसे होना चाहिए था, ये तो आप लोग करेंगे नहीं। क्यों करेंगे नहीं, हम हमारा भारत है, हमने आजाद करवाया इस भारत को, और इस भारत के लिए हम जो नहीं करेंगे, करना चाहिए, और सर हम लोगों ने भारत को आजाद कराया, हम क्यों नहीं बात करेंगे, और सुनिए चर्चा करने के लिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है केवल धिंगरा साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तथ्यों पर अगर बात नहीं करते हैं तो बात इतनी हल्की, सुन तो लीजिए,
बात 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 इतनी हल्की हो जाती है, बात बात इतनी हल्की हो जाती है कि उस बात को आगे बढ़ाना, उस बात को आगे बढ़ाना समय की बर्बादी है। कांग्रेस हल्की नहीं होगी, कांग्रेस इनके कहने से कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। अगर इनको 2019 के अंदर अगर इनको 22 करोड़ वोट मिली थी तो कांग्रेस को भी 12 करोड़ वोट मिली थी। आप ये मत समझिए कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। ममता दीदी ने मुंबई में कुछ बयान दिया, बीजेपी ममता केवल ढींगरा साहब जिस तरह से 7 साल का इनका केवल ढींगरा साहब केवल ढींगरा साहब मेरे सवाल आप बोलते रहेंगे, मैं आपसे सवाल करता रहूंगा। केवल ढींगरा साहब सवाल का जवाब दीजिए। ममता दीदी ने कहा, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं लोग। ममता दीदी ने कहा कि राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाया जाना चाहिए। अब आप बताइए ममता दीदी ने क्या कहा, वो भी यही कह रहे हैं। ममता दीदी किसके साथ मिल रही है आजकल, कौन से डामी के साथ फोटो छप रही है, वो डामी का इनके थे आज ममता क्यों ले रहे, इससे क्या होगा। दिल्ली आई ममता दीदी, वो फिर जो है अपनी अपनी उसी धारा पे चलेगा। आपने टायर देखा होगा, दिल्ली आई ममता दीदी जाता है, कभी ऊपर जाता है। केवल ढींगरा साहब वो हो सकता है कि कोई कमी देखी होगी लोगों ने। ममता दीदी दिल्ली आई, समझ गए ममता दीदी, मोदी जी ने 7 साल के अंदर देश का भट्ठा बिठाया है, वो लोग समझ चुके हैं। ममता दीदी दिल्ली आई, आने वाला टाइम दोबारा से फिर कांग्रेस का है। ममता दीदी दिल्ली आई, आप जैसे मर्जी बात करें, और दिल्ली आने के बाद वो सबसे मिली, सोनिया गांधी से नहीं मिली। ये तो आपकी स्थिति है, और आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, मिलना मिलाना होता रहेगा, सब मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही सही। ममता बनर्जी का मिलना मिलना भी सोनिया गांधी से पहले भी होता रहा, बाद में भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल केवल ढींगरा साहब, आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं परिचर्चाओं में आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों से इस देश की जनता को कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाती, और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी किसानों के इस बड़ी जीत के बाद अब ये उन्होंने तय कर लिया है कि विपक्ष की राजनीति के लिए एक धारदार चेहरा चाहिए जो विपक्ष के मुद्दों को तर्कों के साथ उठाए। यह आईना केवल ढींगरा साहब, इसको प्लीज प्लीज सुनिए। रही बात गुलरेश शेख की, तो गुलरेश शेख, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। खैर, यह तो राजनीति में चलता है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि ट्रंप नहीं रहे तो बाइडेन के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, और सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और एक ताकतवर देश है जो भारत की ताकत को समझता है। और वैश्विक राजनीति में जब भी विदेश नीति का संबंध होता है तो पारस्परिक हितों के लिए अपनी ताकत का आकलन किया जाता है, और दूसरे की ताकत का भी उसे एहसास होना चाहिए। और अमेरिका और रूस को फिलहाल इस बात का एहसास है कि बिना भारत को साथ लिए वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अमेरिका जानता है कि भारत को साथ लेकर के ही चीन को बैलेंस किया जा सकता है, और रूस जानता है कि भारत का सहयोग लेकर के वो एक साथ अमेरिका और चीन दोनों के साथ समन्वय और सामंजस्य अपने हित के हिसाब से बैठा सकता है। शायद भारत की रणनीतिक ताकत यही है, और इसलिए 6 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो दो दोस्त मिलेंगे और बात बहुत अच्छी होगी और सारी बातें बनेगी, ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाला यह देश सिर्फ श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसे पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। आप दोनों हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके आगे की क्या खबर रहेगी और उसका क्या विश्लेषण होगा जरूर आप एवी स्टार न्यूज देखिएगा, क्योंकि हम खबर के साथ विश्लेषण भी दिखाएंगे और बताएंगे पल पल की खबर जब रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे और समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, दीजिए इजाजत, नमस्कार।